इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की नेवीज ला पेरोज का पार्ट बन रही हैं। ला पेरोज क्या है और इतने सारे देशों की नेवीज इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं? ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, स्पेशली डिफेंस एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ला पेरोज एक युद्ध अभ्यास है जिसका ड्यूरेशन 2 दिन का है। ये लाइक माइंडेड नेवीज को हेल्प करता है बेहतर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, जिससे मैरीटाइम ऑपरेशन सीमलेस हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस नेवल ऑपरेशंस जैसे सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइज और टैक्टिकल मैन्यूवर्स जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। नेवी ऑफिसर्स, नेवल स्टाफ, शिप्स और बाकी सभी इक्विपमेंट्स के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने ला पेरोज में पार्ट लिया 2023 में, जो कि अभी वाला साल है। ये इस एक्सरसाइज का 3rd एडिशन है और ये मार्च 13 और 14 को कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज को बायनियल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये हर 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। यहाँ मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ला पेरोज एक्सरसाइज किस साल में कंडक्ट हुई थी और उसकी लोकेशन क्या थी? आंसर जो है वो आपके कॉमेंट्स में बताओ। इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए हैं। ये बात नोट करने की है कि INS सह्याद्री एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल फ्रिगेट है। INS सह्याद्री ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भी पार्ट लिया था फ्रेंच नेवी के साथ। इसमें FS डिक्समर्ड और FS ला फेयर शिप्स भी थे। ये एक्सरसाइज मार्च 10th और 11th को हुई थी अरेबियन ओशन में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि इंडियन नेवी का पार्टिसिपेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है हाई लेवल ऑफ सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन फ्रेंडली नेवीज। ये उनका कमिटमेंट भी शो करता है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। मैं दोबारा से इसी चीज़ को एक बार आपको बता देता हूँ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की नेवीज ने इस इवेंट में पार्ट लिया है। और ये इवेंट कहाँ कंडक्ट किया गया? ये 3rd एडिशन था, तो 1st एडिशन कब हुआ था? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए। डिफेंस एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, क्योंकि ये एक युद्ध अभ्यास है, एक वॉर एक्टिविटी है जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली CDS और FCAT में पूछे जाते हैं। इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखो। 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उनका आंसर्स दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट। इंडिया और USA की जेट इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील क्या है? इसका इंडिया को क्या फायदा मिलेगा? और ये जेट इंजन आखिर यूज कहां होंगे? चाइना के स्पाई बैलून्स एग्जैक्टली स्पाई करते कैसे हैं और क्या ये इंडिया के अगेंस्ट भी कभी यूज हुए हैं? इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैसे हो रही हैं डे बाय डे मॉडर्नाइज? क्या है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी? Join Defense Affairs on Unacademy Defense Mentors. Indian defense se judi interesting baatein, analysis aur geopolitics.